बनारस में बाबा की नगरी काशी में मैं मौजूद हूँ। मेरे ठीक सामने काशी विश्वनाथ का मंदिर है और बगल में है वो ज्ञानवापी मस्जिद, जिसे लेकर आज कोर्ट में एक बहुत अहम कदम रखा जाने वाला है। सर्वे की रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी। मैं सड़क के इस पार इसलिए आई हूँ क्योंकि आपको यहाँ भी कुछ तहखाने दिखाना चाहती हूँ। अब ये वो वाला तहखाना नहीं है जो पुराने जमाने का है, लेकिन आप इनको देखिए, ये नंबर यहाँ लगे हुए हैं। ये नंबर के माने ये होते हैं कि ये आपका लॉकर है और इसमें आप जब अंदर जाएंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ, क्योंकि मोबाइल आपको अलाउड नहीं है, आप वहाँ पर्स नहीं ले जा सकते हैं, तो यहाँ ऐसी छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं जहाँ पर आप जाते हैं और जाने से पहले जो है इसमें कुछ रख कर जाते हैं और फिर ये चाबी आपको दे दी जाती है। सर इधर आइए, आप इधर आइए ना सर, अंदर लाइट की कमी है, आइए ना, आइए आइए। हाँ भाई बताइए, ये आप कब से हैं? आप यहाँ पे काफी साल से हैं। कितने साल से? हो गया 5 साल हो गया। 5 साल? हाँ मतलब काफी साल 50 होते हैं। अच्छा, तो ये कब से आप देख रहे हैं यहाँ सामने अपना जो मंदिर है और मस्जिद है और आज आ रहा विवाद? हम बचपन से देख रहे हैं मंदिर मस्जिद, बचपन से देख रहे हैं। दिया जो उसके पहले जो उन्होंने सर्वे किया था उसी की रिपोर्ट उन्होंने जो है सौंपा है। वो हमारी रिपोर्ट का भी पार्ट होगा और कोर्ट जो है उस पर भी कॉग्निजेंस लेगी, क्योंकि लेकिन वो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के बाहरी क्षेत्रों का उन्होंने रिपोर्ट बनाया है, क्योंकि ज्ञानवापी परिसर के अंदर जो है वहाँ लोकल प्रशासन ने उस समय अनुमति उनको नहीं दिया था अंदर जाने के लिए, इसलिए बाहरी क्षेत्र का जो उन्होंने रिपोर्ट बनाया है उसको उन्होंने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। सर आज रिपोर्ट कितने बजे सबमिट करेंगे और उसके आगे का प्रोसेस क्या होता है कोर्ट का रिपोर्ट सबमिट करने के बाद? हम लोग को पूरी उम्मीद है कि 12 से 2 के बीच में रिपोर्ट हम प्रस्तुत कर देंगे माननीय न्यायालय के समक्ष। प्रोसेस क्या होगा? रिपोर्ट लीक भी हो गई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो उन्होंने दिया है अदालत में? अब लीक हो गई है, अब इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं, अब वो उस पर माननीय न्यायालय जो भी चाहेगी संज्ञान लेगी उस पर। सर जब आप एक बार रिपोर्ट सबमिट कर देंगे उसके बाद क्या प्रोसेस क्या होगा? कोर्ट का हियरिंग होगी, क्या होगा? रिपोर्ट सबमिट करने के बाद उसका अवलोकन माननीय न्यायालय करेगी और फिर उस पर वो अपना संज्ञान लेगी, क्या करती है ये माननीय न्यायालय के ऊपर है। सर आज ही कोई तारीख मिल सकती है अगली सुनवाई के लिए या बहस के लिए कुछ ऐसा है? जी हाँ, आज भी जो एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई है जो कल लगी थी, कल स्ट्राइक के कारण नहीं हो पाया था सुनवाई, उस पर भी आज जो है माननीय न्यायालय के समक्ष वादी प्रतिवादी पक्ष अपना अपना सहयोग अपना अपना विचार व्यक्त करेंगे। तो क्या सर समय कम था दो रात जागने के बाद? विशाल सिंह कह रहे हैं कि रिपोर्ट बहुत ज़्यादा सबमिट करनी थी और इसके लिए वक्त बहुत कम था, रात भर जग के रिपोर्ट तैयार हुई है। हाँ ये तो सही बात है कि हम लोग एक दिन पूरी रात बैठ करके रिपोर्ट तैयार किए हैं और समय कम मिला है, और इसलिए कि करीब जहाँ तक मुझे अंदाज है 1500 से ऊपर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई है, उन सबको भी सबमिट करना है, मुझे क्लिप सबमिट करना है, प्लस जो रिपोर्ट हम लोगों ने बनाया है इतने दिनों में उसको सबमिट करना है, तो इसलिए समय काफ़ी लगा, हम लोग को समय कम मिल पाया। कितने लगभग कितने पन्नों की रिपोर्ट होगी? मेन रिपोर्ट तो लगभग 10-12 पन्ने की है और उसके एनेक्सन में काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक है, आइए सर। मुकेश कर ले कर सर, आज जो रिपोर्ट सबमिट होनी है। तो अभी आप सुन रहे थे, देखिए इससे पहले असिस्टेंट कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह को सुन रहे थे, एक और कोर्ट कमिश्नर जो ये कह रहे हैं कि आज 12 से 3 के बीच में रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी और कल जो दो अहम केसेस पर सुनवाई होनी थी वो जो केसेस है आज उन पर भी सुनवाई हो सकती है। उनसे पूछा गया कि क्या आज की तारीख में नई तारीख दी जा सकती है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल दी जा सकती है। फिर उनसे ये कहा गया कि क्या आपने रात भर जग कर रिपोर्ट को तैयार किया है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमने रात भर जग कर रिपोर्ट को तैयार किया है, क्योंकि आंकड़े जो हैं 1500 के आसपास आ रहे हैं, 1500 के आसपास फोटोज और वीडियोज लिए गए हैं और इसीलिए हमें बहुत वक्त लग गया। उनसे पूछा गया कितने पन्ने की रिपोर्ट थी, तो ये बताने से उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन वो बहुत क्लियरली ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट हमने तैयार कर दी है और अब उसके बाद माननीय न्यायालय जो है उसका अवलोकन करेगी। और एक दो जो अलग अलग मामले हैं, एक तो मछलियों को शिफ्ट करने का और दूसरा ये है कि जो दीवार बनी हुई है
नंदी और वो वजू खाने के बीच की उस दीवार को तोड़ने के लिए भी वादी ने एक याचिकाकर्ता दाखिल की है, दाखिल की है और उसी को लेकर आज सुनवाई हो सकती है। साफ तौर पर ये कहा जा रहा था तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं सिर्फ भोले बाबा के दर्शन के लिए नहीं, वो ये भी जानना चाहते हैं उत्सुकतावश कि हो क्या रहा है, क्यों मीडिया कर्मी यहाँ इकट्ठा है। हर हर महादेव, बताइए कहाँ से आए आप? हम लोग एमपी से आए, मध्य प्रदेश इटारसी से। अच्छा, कर लिए बाबा के दर्शन? बाबा के दर्शन करके आ रहे हैं। हाँ, कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। हाँ, क्या क्या देखा आपने? सब कुछ देखा। अच्छा, भोले बाबा देखे, भोले बाबा निकलेंगे फिर। यहाँ कोई शिवलिंग का पता चला है, कोई मिली है जो कि यहाँ पर मस्जिद में है? नंदी देखे? हाँ देखे। कहाँ देख रहे हैं? वहीं पे, नंदी का मुंह साइड में है, मस्जिद की तरफ। सब देखा जी? हाँ। पर अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, हमको बहुत अच्छा लगा। भोलेनाथ हर हर महादेव। तो ये देखिए मध्य प्रदेश से लोग आए हैं और ये कह रहे हैं हमने बाबा के दर्शन किए, हमने वो नंदी भी देखी जो मस्जिद की तरफ मुंह कर रही है, उत्सुकता का विषय है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।